अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं कि आप कंपनी डेटा को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्प्लिट का अर्थ होता है विभाजित करना या बांटना। इसलिए स्प्लिट कंपनी डेटा का मतलब हुआ किसी कंपनी के डेटा को टुकड़ों में बांटना। कई बार ऐसा होता है कि हम टैली में कोई कंपनी बनाते हैं और कई वर्ष तक उसमें निरंतर काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कंपनी बनाई वर्ष 2018-19 में और तब से लेकर अभी 2023-24 तक हम उसी में काम कर रहे हैं। इस तरह हमारी इस कंपनी में 5 साल का डेटा है। अब यदि हम इसी कंपनी में कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं तो इसमें हमारे सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि पहली समस्या ये हो सकती है कि यदि हमारे इस 5 साल के रिकॉर्ड में यानी डेटा में पिछले किसी भी वर्ष में जाने अनजाने में अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत एंट्री कर दी जाती है या किसी एंट्री को डिलीट या एडिट कर दिया जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि यदि हमारी कंपनी में 4-5 सालों का डेटा रहता है तो जाहिर सी बात है कि उस डेटा की साइज भी ज्यादा होगी। डेटा साइज के ज्यादा होने से जब हम टैली पर काम करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे कि हमको काम करने में ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा यदि आपको आपके CA या ऑडिटर या अकाउंटेंट को कंपनी का डेटा भेजना है तो उसके लिए भी ज्यादा आसान होता है कि आप 5 साल का डेटा न भेजते हुए उसे सिर्फ संबंधित वर्ष का डेटा ही भेजें। इन सभी का एक ही समाधान है कि आप हर फाइनेंशियल ईयर के डेटा को स्प्लिट करके अलग अलग कर लें। ऐसा करने से पिछले किसी भी साल में गलती हो जाने की संभावना नहीं रहेगी और डेटा साइज कम होने से हमारे काम करने की स्पीड भी ज्यादा रहेगी और साथ ही किसी को डेटा भेजना भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि टैली में किसी कंपनी को स्प्लिट कैसे करते हैं। वैसे तो यह प्रोसेस छोटी सी है, पर हम आपको जो आगे समझा रहे हैं उसे ध्यान से समझना जरूरी है। कंपनी स्प्लिट करने से जो भी कंपनीज बनती हैं, उनमें सभी अकाउंटिंग मास्टर्स जैसे ग्रुप्स, लेजर्स और इन्वेंटरी मास्टर्स जैसे स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर इत्यादि एज इट इज ही रहते हैं। साथ ही सभी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स के साल के अंत में जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहते हैं वो अगले साल के लिए जो भी कंपनी बनेगी उसमें अपने आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाते हैं। इसके साथ ही आपने जिस पीरियड में जो भी वाउचर्स बनाए होंगे वे उसी पीरियड की कंपनी में चले जाते हैं। यदि आप किसी चालू वर्ष में कंपनी डेटा स्प्लिट करने का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या आप पिछले समाप्त हुए साल की ईयर एंडिंग प्रोसेस कर चुके हैं। यदि कर चुके हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। पर यदि आपने पिछले समाप्त हुए साल की ईयर एंडिंग प्रोसेस नहीं की है तो उसकी प्रक्रिया पहले पूरी कर लें, जैसे कि खरीद बिक्री के सभी बिल की एंट्री, सभी लेन देन की एंट्री, साथ ही डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन एक्सेट्रा की एंट्री भी कर लें। यानी यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या GST रिटर्न भरते हैं या ऑडिट करवाते हैं तो इनसे संबंधित जो भी काम साल के अंत में करना होते हैं वो देख लें कि सभी काम आप कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, हमने A2Z ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में शुरू की थी और 31 मार्च 2023 के बाद भी यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आज की डेट 1 मई 2023 है और अब हम इस कंपनी में से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने अभी आपको समझाया था, हम इस कंपनी में पिछले साल की ईयर एंडिंग से संबंधित सारी एंट्रीज कर चुके हैं तो अब हम इस कंपनी का डेटा स्प्लिट करके 2022-23 और 2023-24 की कंपनी अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपकी ईयर एंडिंग से संबंधित कुछ एंट्रीज छूट गई हैं और आपने कंपनी को स्प्लिट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। कंपनी को स्प्लिट करते ही पिछले साल की और
चालू वर्ष की कंपनी अलग अलग हो जाएंगी। इसके बाद यदि आप पिछले साल में कुछ चेंजेस करेंगे या कोई एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट केवल उसी वर्ष में होगा, अगले वर्ष की कंपनी में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इससे यह होगा कि दोनों कंपनियों के बैलेंस मिसमैच्ड हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि कंपनी को तभी स्प्लिट करें जब आप अपनी कंपनी में ईयर एंडिंग से संबंधित सभी एंट्रीज कर चुके हों। एक और बात का ध्यान रखें, कंपनी स्प्लिट करने से पहले कंपनी के डेटा का बैकअप जरूर ले लें। यदि कंपनी डेटा स्प्लिट करते समय कोई प्रॉब्लम हो भी गई और डेटा लॉस हो गया तो आप बैकअप की सहायता से कंपनी को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। कंपनी का बैकअप और उसे कैसे रिस्टोर करते हैं ये हम अपनी टेलीप्राइम की वीडियो नंबर 60 में बता चुके हैं। चलिए अब टेलीप्राइम पर चलते हैं और कंपनी को स्प्लिट करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर हमने वो कंपनी ओपन कर रखी है जिसके डेटा को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। हमारी इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 का डेटा है। चलिए पहले हम डे बुक पर चलते हैं और दोनों साल के डेटा को देख लेते हैं। ये देखिए दोनों सालों की एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। अब हम दोनों साल के डेटा को अलग अलग यानी स्प्लिट करना चाहते हैं तो पहले गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। कंपनी को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टैब पर जाना होगा। उसके लिए ऑल्टर के साथ Y की प्रेस करें, यहां से स्प्लिट पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वेरीफाई डेटा और स्प्लिट डेटा। कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से पहले हमें डेटा को वेरीफाई डेटा की मदद से वेरीफाई कर लेना चाहिए। यदि हमारी कंपनी में कोई एरर रहती है तो वेरीफाई करने से उसका पता चल जाता है जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं और उसके बाद डेटा को स्प्लिट करना चाहिए। अगर आप कंपनी को वेरीफाई किए बिना ही स्प्लिट करना चाहते हैं तो ऐसा कर तो सकते हैं, पर ऐसा करने से यदि कंपनी में किसी प्रकार की कोई एरर है तो उसका पता नहीं चलेगा। तो चलिए पहले हम कंपनी डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए वेरीफाई डेटा पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे या वी प्रेस करेंगे। अब यदि टैली में एक से ज्यादा कंपनीज ओपन होगी तो उन सभी की लिस्ट दिखाई देगी, उसमें से आप जिस कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। अभी हमारी एक ही कंपनी ओपन है जो कि सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए कुछ ही सेकेंड्स में डेटा वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ध्यान रखें यदि ज्यादा डेटा होगा तो वेरीफाई करने में ज्यादा समय लगेगा। वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर यदि आपको कंपनी में कोई एरर है तो उसका मैसेज आएगा, आप उसको दूर कर लें फिर कंपनी को स्प्लिट करें। हमारी कंपनी में कोई एरर नहीं है इसलिए यहाँ पर नो एरर फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब हम बिना किसी चिंता के अपनी कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। हम एस्केप की से वापस चलते हैं। अब डेटा टैब पर जाएं, यहां से स्प्लिट पर जाएं, अब स्प्लिट डेटा पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए स्प्लिट कंपनी डेटा की स्क्रीन आ रही है जिसमें हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहां स्प्लिट फॉर्म में 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये वो तारीख है जहां से कंपनी का डेटा स्प्लिट होने वाला है। उसके नीचे लिखा है दिस विल बी सेट एज द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट फॉर द न्यू कंपनी, यानी हमारी जो नई कंपनी बनेगी वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली है। आप यदि किसी अन्य तारीख से कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो तारीख यहां पर टाइप कर दें। हम 1 अप्रैल 2023 ही रहने दे रहे हैं। अब ये देखिए यहां नीचे लिखा हुआ आ रहा है द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। इसका मतलब है कि स्प्लिट होने के बाद ये नीचे दी हुई कंपनियां क्रिएट होंगी जिसमें नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी यानी पहली कंपनी का नाम A to Z ट्रेडर्स और जिस तारीख से वो शुरू होगी वो लिखा हुआ है। इसी तरह नेम ऑफ सेकंड कंपनी में दूसरी कंपनी का नाम और जिस तारीख से वो शुरू होगी वो लिखा हुआ है। इसे हम आपको और क्लियर कर देते हैं। यहां हमारी जो पहली कंपनी बनेगी वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहेगी और जो दूसरी कंपनी बनेगी वो 1 अप्रैल 2023 से अभी तक या कह सकते हैं 31 मार्च 2024 तक की बनेगी। चलिए अब एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा करते ही पूछा जा रहा है क्या स्प्लिट करना जारी रखें।
तो यस के लिए एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए कुछ ही सेकंड में कंपनी स्प्लिट हो गई है। अगर आपकी कंपनी में डेटा ज्यादा होगा तो ज्यादा समय लग सकता है। ये देखिए यहाँ हमारे सामने एक कंपनी तो वही है जो स्प्लिट से पहले थी, साथ ही दो नई कंपनियां और बन गई हैं। इनमें पहली है A to Z Trader from 1st April 22। इसका मतलब है ये कंपनी 2022-23 की है और दूसरी कंपनी है A to Z Trader from 1st April 23। इसका मतलब है ये कंपनी 2023-24 की है। चलिए अब हम एक एक करके दोनों कंपनियों को खोलकर देख लेते हैं कि हमारे जो मास्टर और जो बैलेंस है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2022 वाली कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए F3 प्रेस करें और ये वाली कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारी 2022-23 वाली कंपनी ओपन हो गई है। यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस शीट पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले F2 प्रेस करके पीरियड सिलेक्ट करें। अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये देखिए लेजर्स और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हमने आपको अपनी वीडियो नंबर 46 में डिटेल में समझाया था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस ही अगले साल में ट्रांसफर होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स के बैलेंसेस अगले साल में ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। अब हम सीधे यहीं से दूसरी कंपनी का ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेते हैं, उसके लिए F3 प्रेस करेंगे। अब लिस्ट ऑफ कंपनीज में से 2023-24 वाली कंपनी पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए इस कंपनी का ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले F2 प्रेस करके पीरियड सिलेक्ट करें। अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये देखिए लेजर्स और उनके ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है और यहां पर इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दोनों एक समान हैं। आइए अब हम टेबुक भी देख लेते हैं। यहां हम 2 साल का पीरियड ले रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 24 तक का पीरियड ले रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ करंट ईयर की एंट्रीज यानी 1 अप्रैल 23 के बाद की एंट्रीज ही दिखाई पड़ रही हैं। हम पिछले साल की कंपनी की टेबुक यहीं से ओपन कर लेते हैं। इसका पीरियड भी हमने 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 24 ही रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पिछले साल यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक की एंट्रीज ही दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह से हमने देखा कि मास्टर्स के साथ ही पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस अगले साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गए हैं, साथ ही जिस साल के जो ट्रांजेक्शन थे वो उस साल की कंपनी में चले गए हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि हमारी कंपनी ठीक प्रकार से स्प्लिट हो गई है। आखिर में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि टैली प्राइम में कंपनी को स्प्लिट करने का काम आप केवल टैली के लाइसेंस्ड वर्जन में कर सकते हैं, एजुकेशनल वर्जन में नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।